अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज इंशाल्लाह मज़दूर के हवाले से कुछ अशार भी पेश करेंगे और कुछ एक दो हदीसे मुबारक भी पेश करेंगे कि मज़दूर कितनी मेहनत करता है, उसके बाद जाके उसको 200 से 300 या 400 तक उसको उजरत मिलती है, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं मिलती। मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। दुनिया में मज़दूरों के हकूक़ के लिए सबसे जो पहली आवाज़ बुलंद की है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आवाज़ बुलंद की है। मेहनत मजदूरी करना बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से किसी का सुबह के वक्त जाकर अपनी पीठ पर लकड़ियां का गठा उठाकर लाना और उससे सदका करना और लोगों से मांगने से बेहतर है, हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा खुद मेहनत करे। बेशक ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि जो लेने वाला हाथ है उससे देने वाला हाथ बेहतर है। जिनका खाना आपके ज़िम्मे है उनसे अपना सदका शुरू करें, उनको अपना सदका ज़रूर दें। खून मज़दूर का मिलता जो ना तामीरों में, ना हवेली ना महल और ना कोई घर होता। दिन भर कड़कती धूप में करता रहा जो काम, उजरत मिली तो हाथ के छालों पर रो पड़ा। जबर सह लेता हूँ मजबूर हूँ मैं, जबर सह लेता हूँ मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मजदूर हूँ मैं। शायरी वो मजदूरी है, शायरी वो मजदूरी जिसकी उजरत हर आह पे एक वाह मिलती है। शायरी वो मजदूरी है जिसकी उजरत हर आह पे एक वाह मिलती है।
मखमल दे मुसल्ले उते सजदे कीते नहीं, मखमल दे मुसल्ले उते सजदे कीते नहीं, सड़कां ते मजदूरी करदा रुल गया वां। तू हत्थां दे छाले घिन के बख्श देवी मौला, तू हत्थां दे छाले घिन के बख्श देवी मौला, मैं मत्थे मेराब बनाना भूल गया वां, मैं मत्थे मेहराब बनाना भूल गया वां। बेशक हकीर हूँ पेशा हकीर सा, बेशक हकीर हूँ पेशा हकीर सा, मेहनत वसूल शख्स से नफरत नहीं करते। Subscribe to my channel and also press this bell.